आपको ब्राह्मण नहीं कहते थे। मेरे दादा गुरुजी यानी गुरुजी के गुरुजी गांव छावला दिल्ली में, वहां के जाट थे, किसान थे, और उन्होंने काशी विद्यापीठ से विद्या ग्रहण की थी, जिस कारण से वो पंडित चिदानंद नाम से प्रसिद्ध थे। और गोपालपुर जिला सोनीपत खरखोदा के पास गांव गोपालपुर में उन हमारे दादा गुरुजी का आश्रम है, उसमें लिखा हुआ है कि पंडित चिदानंद आश्रम। तो जो गुरुपद प्राप्त कर लेते हैं शिक्षित होकर के, उनको ब्राह्मण बोला जाता है, पंडित बोला जाता है। तो नकली गुरुओं ने, झूठे गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने हमें गलत मार्गदर्शन कर रखा था। वो ऐसी साधनाएं बता रखी हैं जैसे ये अनुपासनाएं के दरिया से पार करने के लिए भेड़ की पूंछ पकड़ा रखी है, और बुद्धिमान व्यक्ति उसे कहे कि तू ऐसे नहीं पार हो सकता, डूबेगा इससे, और दरिया से पार होने के लिए नौका की आवश्यकता, चलो मेरे साथ नौका में बैठो, मैं तुम्हें पार कर दूंगा। अब परमात्मा का इतना प्रयत्न था, परमेश्वर कबीर देव जी का इतना ही कहना था कि तुम जो साधना कर रहे हो ये सतलोक जान की नहीं, मोक्ष पाने की नहीं, जन्म मृत्यु समाप्त होने की नहीं, नहीं तुम्हारे पाप कट सकते इससे, और तुम्हारे प्रारब्ध के दुख का भी निवारण नहीं हो सकता। मैं जो साधना बताने आया हूं ये साधना कीजिए, तुम्हें यहां भी सुख होगा, सतलोक में भी सुख होगा। अभी नहीं नकली गुरुओं के बनाए हुए ये भूत या किलकी मारन लाग रहे, ये दुर्गति करवा दी नकली गुरुओं ने, ब्रह्म माटी करवा दी, वो आप भी दुखी और औरों को भी तंग करते हैं। और यहाँ आने के बाद इनका बक्कल उतरा है इन भूतों का परमात्मा के दरबार में। अब ये रोते हैं फिर भागते हैं, अब इनको पता भी लगता है कि तुम्हारे साथ भूंडी बन गई, बुरी बन गई। लेकिन ये सभी आत्माएं उसी एक ही परमात्मा की हैं, इनका भी उद्धार होगा। और आपका तो होगा ही होगा, ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। क्योंकि जो अच्छी आत्माएं हैं वो भी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, वो भूत बन गए, उनका स्वभाव अब भी अच्छा है प्रेत बनने के बाद भी, और फिर वो अपने ही परिवार के घर में आते हैं। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं जो अपने जिस ज्ञान को समझ कर वो भूतों ने, उन प्रेतों ने अपने ही परिवार के जनों से कहा कि आप वहां जाओ, बरवाला आश्रम हरियाणा में, वहां तुम्हारा कल्याण होगा। तो पुण्यात्मा, ये प्रेत जो भूत बने हुए ये भी वही आत्मा है परमात्मा की। इनमें जो अच्छी आत्मा होती हैं वो यहां आने के बाद तुरंत खिसक जाती हैं, उनको पता लग जाता है कि तुम्हारा यहां बार पड़े को नहीं। और जो नीच टाइप हैं वो जूते खा कर जाएंगे, उनको भागना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के दरबार में बकवादी की जगह नहीं। तो इस प्रकार यहाँ आने से आपको, आपके उन पितरों का भी उद्धार होगा, भूतों का भी उद्धार होगा, आपका तो होगा ही होगा। और आपके ऊपर जो वो लद्दे फिरे हैं वो भी भाग जाएंगे छोड़ कर। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा बड़े दयालु हैं, ये मार्ग उन्होंने हमें आकर बताया, लेकिन इनका बहुत विरोध किया गया। और विरोध कराने वाले कौन है, ये नकली गुरु होते हैं जो आज भी इस दास के साथ विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब समय बदल गया, अब सब शिक्षित हो गए हैं, सदग्रंथ हमारे पास है, और यह हाथों हाथ सुख मिलेगा, हाथों हाथ। दुखी प्राणी को परमात्मा तुरंत सुख देगा, लेकिन हम मन में दोष रख कर आते हैं, क्योंकि हमारे भक्त समझाते हैं कि आप वहां चलिए, आप सुखी हो जाओगे, आपका रोग कट जाएगा। तो मुश्किल से तो वो तैयार करके लाता है हमारा भक्त, और फिर उसके मन में दोष रहता है कि देख लेता हूं नाम लेकर, कुछ आराम हो गया ठीक है, नहीं तो छोड़ दूंगा। तो ऐसे डबल माइंडेड व्यक्ति का
परमात्मा हाथ नहीं पकड़ता। या तो सच्चे दिल से समर्पण करना होगा, सच्ची आत्मा से अर्ध लगेगी तब अर्जी स्वीकार होती है और तभी सुख तुरंत प्रारंभ होता है। तो पहले हम आप जी यहाँ आते हो, आपके ऊपर पिछली जो पूजाओं का इतना प्रभाव होता है, जल्दी से उनको त्यागना नहीं चाहते हैं। और यहाँ आकर नाम उपदेश लेने के बाद आप जी ने अनान उपासना भूल के भी नहीं करनी, ना ही कोई नियम भंग करना, तो देखना कैसे लाभ हो, लाखों लोगों को सुख हो गया। तो इस प्रकार परमात्मा ने हमारे ऊपर रजा बख्श रखी है कबीर जी ने, इसका हमने लाभ उठाना है। तो परमात्मा क्या बताते थे, उन्हीं के परमेश्वर कबीर देव जी द्वारा बताए गए ज्ञान को गरीबदास साहिब जी ने सैकंड किया है। भेड़ पूछ को पंडित पकड़ ये बादो नदी बिहंगा, गरीबदास वे भव जल डूबे नहीं साध सत्संगा। कि जिनको संतों का संग नहीं मिला वो इस संसार रूपी सागर में फिर से डूब जाते हैं, यहीं रह जाते हैं, ये पार नहीं होते। किसी भी सदग्रंथ ने आप देखिएगा, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि हे अर्जुन, तू उस ज्ञान को, तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से कपट छोड़कर विनम्र भाव से प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत आपको उस परमात्म तत्व के बारे में जानकारी देंगे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में कहा कि कोई तो परमात्मा को जन्म लेने वाला आकार मानता है और कोई परमात्मा को जन्म ना लेने वाला निराकार मानता है। परमात्मा कैसा है उसके विषय में तत्वदर्शी संत ही विशेष जानकारी रखते हैं, उनसे पूछो। और ऐसा ही प्रत्येक संत ने कहा है, जैसे अभी आपने सुना कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े भादो नदी बिहंगा, गरीबदास व भवजल डूबे नहीं साध सत्संगा। और यही कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, कबीर इस संसार को समझाऊं के बार पूछ पकड़ के भेड़ की ये उतरा जाऊं अपार। तो क्या बताते हैं, और बात तेरे काम न आवे तो संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे, और बात तेरे। के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई उठ सुबेरे उकावर लिया के जाग्या नर भाग रे, उठ सुबेरे उकावर लिया के जाग्या नर भाग रे, सुक्रम करा ना करी रे बंदगी ये फूटे तेरे भाग रे, फूटे तेरे भाग रे, और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे, और बात तेरे
काम न आवे संतों शरण लाग रे, केसो वे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई उमदा चोला बिना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे, उमदा चोला बिना अनमोला लगे दाग पे दाग रे। दो दिन की गुजरान जगत में ये जले बिरानी आग रे, जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, केसो गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई कुबद कांचड़ी चढ़री चत पे, तू होया मनुष्य नाग रे, कुबद कांचड़ी चढ़री चत पे होया मनुष्य से नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर ये बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, केसो गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई अर सुमरे सो हंस कवावे कामी क्रोधी कागरे, अर सुमरे सो हंस कवावे ये कामी क्रोधी कागरे। बहोरा न भर में विष के बन में चल बेगमपुर बागरे, चल बेगमपुर बागरे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, केसो गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी पाया अटल सुहाग रे, शब्द सैन सतगुरु की पहचानी पाया अटल सुहाग रे। नितानंद में बूब गुमनी परगटे पूर्ण बागरे, परगटे पूर्ण बागरे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लागरे, केसो गफलत में बंदे जाग जाग नर जागरे, जाग जाग नर जागरे। अपनात्मा ये वैसे परमेश्वर कबीर जी की वाणी है और स्वामी नितानंद जी ने ये अपने नाम लिख ली। हमने इस चीज से कोई लेना नहीं, लेकिन हमने इस निष्कर्ष को ग्रहण करना है, हमने सार ग्रहण करना है, इस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि परमात्मा की प्यारी आत्माओं ने और परमेश्वर ने हमें क्या संदेश दिया है। अब क्या बताया है, कबीर परमेश्वर की वाणी है वैसे ये, इसमें समझाने की चेष्टा की है, इसमें जागने के दोनों उदाहरण दिए हैं। जैसे एक तो नींद से जागना होता है, मान लीजिए सुबह उठा इंसान, उठते ही हुक्का भर लिया, बीड़ी ला ली, तो कहते फिर के जाग गया के ना जाग गया तो बराबर हो गया, उठते पाप शुरू कर दिए। और कोई भजन भक्ति बनी नहीं। और दूसरा जागना ये बताया है कि इस अज्ञान अंधकार के अंदर मोह ममता की नींद में तू सोया पड़ा है, अज्ञान अंधकार के अंदर अंधेरे में। और जागने का यहाँ उद्देश्य परमात्मा ने हमें बताया है कि तू कौन है, किस लिए आया था, कर क्या रहा है, करना क्या चाहिए था, ये जागना है। आत्मा के अंदर एक चेतनता आवे, एकदम